हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम फयाज कुरैशी है। और मेरा नाम शिखा फयाज कुरैशी है। क्या बात है, थैंक यू। ये वीडियो हम लोग बना रहे हैं क्योंकि आजकल लॉकडाउन में घर पे हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं नहीं। जैसे हम लोग बाहर निकलते थे, मीटिंग्स के लिए जाते थे, आजकल टाइम मिला है तो कुछ नई चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, कुछ नई चीज़ें ट्राई कर रहे हैं। और हमने देखा कि बहुत सारे लोग इस समय पे अपने अपने वीडियोस बना रहे हैं, वीडियोस लाइव कर रहे हैं, कोई यूट्यूब पे आ रहा है, कोई फेसबुक पे आ रहा है, तो हमने सोचा क्यों नहीं हम भी कुछ करके देख लें। अब साहब, हमें पता तो था नहीं कि ये होता कैसे है, क्योंकि हम लोग अनाड़ी आदमी, खैर फुर्सत भी नहीं मिल पाती थी कभी, तो थोड़ा हिट एंड ट्रायल किया, समझने की कोशिश किया, कुछ दोस्तों को फोन किया, पूछा भाई कैसे होता है, हमें भी बता दो। तो थोड़ा बहुत जो पता चला है, तो अभी आज कोशिश कर रहे हैं कि हम कुछ फेसबुक लाइव करें और आप लोगों से, अपने दोस्तों से, हमारे फेसबुक कनेक्ट से, हमारे जितने रिलेटिव हैं, हमारे जितने दोस्त हैं, उनसे एक बार मुलाकात करें इस फेसबुक के जरिए और कुछ अपनी सुनाएं, कुछ आपकी भी जाने। तो आप सबका इंतजार रहेगा मैसेजेस में, आपके लाइक्स में। इस वीडियो को अगर आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करिएगा और कमेंट जरूर करिएगा, अच्छा लगा या बुरा लगा, और शेयर करिएगा अगर पसंद आ जाए तो। आज हमने सोचा कि कुछ किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पे बात की जाए, और हमने इस सेशन का नाम भी रखा है क्यू क्यू, मतलब क्वेश्चंस विद क्वेश्चंस जी। सो क्यों क्यों वैसे भी होता है ना, क्यों क्यों, तो सारे क्यों क्यों का आंसर अब मिलेगा। जी बिल्कुल। सो आज हमने सोचा कि कौन सा टॉपिक सिलेक्ट करें इसके ऊपर बात करने के लिए, तो जो हमारा फेवरेट टॉपिक है, जिसके अलावा हमें कुछ और आज की डेट में समझ ही नहीं आता, और जो हमारा सबसे प्यारा टॉपिक है, जिसने हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आया, और हमारे साथ जितने भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारे साथ जितने भी लोग आ रहे हैं, उनकी जिंदगियों में भी बहुत बड़ा बदलाव आ रहा है, और ये टॉपिक है नेटवर्क मार्केटिंग का। तो हमने सोचा कि नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर ही बात करते हैं आज, कि क्यों 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 करें नेटवर्क मार्केटिंग साहब। तो मैंने अपनी बीवी से पूछा, तो पहले मैं आपको इंट्रोड्यूस कर देता हूं, मेरे साथ हैं मेरी बेटर हाफ, माई वाइफ, माई बीवी, माई बेगम, शिखा फयाज कुरैशी। और गूगल पे आप इनका नाम टाइप कर दीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ये कौन है। इकलौता नाम पूरे प्लैनेट पे। जी हाँ, बिल्कुल इकलौता नाम है। और सो मैंने इनसे पूछा कि भाई आप बताओ कि हम ये नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करें, हमारा तो आइडिया खैर क्लियर है, लोग क्यों करें। तो इसी चीज को लेकर के हम लोग कुछ डिस्कशन कर रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों हम अपना आपस में मिलकर डिस्कशन करें, क्यों ना हम इस डिस्कशन सब लोगों के सामने ले आए, और फेसबुक लाइव से बढ़िया और क्या हो सकता है। हमारे बहुत सारे दोस्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं इसमें, थैंक यू वेरी मच। तो शिखा, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि भाई बीवी आप बताओ कि नेटवर्क मार्केटिंग है क्या, पहले तो ये बताइए। सो नेटवर्क मार्केटिंग वो चीज़ है जो हम रोज कर रहे हैं, हम रूटीन में कर रहे हैं। हम सामान लेने जाते हैं तो जिससे हम सामान ले रहे हैं हम उसका नेटवर्क है। हम चाहे किराने की दुकान पे जाते हैं, चाहे हम कपड़े खरीदते हैं, चाहे हम पेट्रोल भरवाते हैं, हम जहाँ जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे हम उनका नेटवर्क है। क्लियर। अब बात करते हैं नेटवर्क मार्केटिंग क्या है। तो जब आप किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ते हैं और आप अपना सामान आगे उनको रेकमेंड करना शुरू करते हैं, तो आप नेटवर्क मार्केटिंग शुरू कर देते हैं। अभी तक आप उपभोक्ता थे तो आप किसी और का नेटवर्क थे, अब जब आप अपना सामान बेचते हैं, अपना सामान मतलब जिस कंपनी के साथ आप जुड़ चुके हैं, आप उनका सामान आगे रेकमेंड करते हैं तो आपका अपना नेटवर्क शुरू हो जाता है। तो नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसी चीज है जो हम हमेशा से करते आ रहे हैं, पहले खुद नेटवर्क थे किसी का, अब किसी और को अपना नेटवर्क बनाकर, तो वो नेटवर्क मार्केटिंग है। चलिए, ये तो आपने बहुत अच्छे तरीके से समझाया है कि ये नेटवर्क मार्केटिंग है, कि हम
अपने जैसे कुछ और लोगों का नेटवर्क बना लें, कुछ और लोगों का ग्रुप बना लें। अब मुझे ये बताइए, कौन सी चीज यानी किन प्रोडक्ट्स के लिए या किस सर्विसेज के लिए हमें नेटवर्क बनाना सबसे बढ़िया रहेगा? लॉजिकली वो चीजें जो लोग रूटीन में यूज करते हैं, ऑफ कोर्स फिर वो खत्म होंगी, है ना। वो खत्म होंगी तो आप दोबारा लेने जाएंगे, तो आप जो चीजें रूटीन में यूज कर रहे हैं, चाहे वो खाने का सामान है, चाहे वो घर की यूटिलिटीज है, या आप गाड़ी की मेंटेनेंस है, ये सारी रूटीन की चीजें हैं। तो ऐसी जो चीज जो इंसान रूटीन में यूज करेगा, जिसने खत्म होना है और आपने दोबारा लेकर आना है, उससे रिलेटेड नेटवर्क अगर कोई ज्वाइन करते हैं, कोई कंपनी ज्वाइन करते हैं, तो वो ज्यादा लॉजिकल है। यानी अगर हम सिंपल तरीके से कहें शिखा, तो ये FMCG प्रोडक्ट्स हो गए, यानी फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स प्रोडक्ट्स, एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। जैसे पेस्ट, टूथब्रश, सोप, सो शैम्पू, घर में यूज होने वाला जो एंटी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, एंटी फंगल, हम जो डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं, फिनाइल के तौर पर डिसइंफेक्टेंट्स हो गए, कपड़े धोने के डिटर्जेंट्स हो गए, बर्तन धोने के डिटर्जेंट्स हो गए, तो एनीथिंग व्हिच आप रूटीन में यूज कर यानी रहे कपड़ा हैं, धोना, बर्तन धोना, घर का पोछा करना, प्लस वॉशरूम का सफाई, वॉशरूम की उसका सफाई, टॉयलेट हाइजीन मेंटेन करना। ट्रीज, जी, कॉस्मेटिक्स भी आ जाएंगे इसमें। अब कॉस्मेटिक्स प्ले अ वेरी क्रूशल रोल, पर हम जिस टाइम पर आपसे बात कर रहे हैं, वो टाइम पे कॉस्मेटिक्स की बात करना बहुत लॉजिकल नहीं होगा, हाँ साहब, बिकॉज क्योंकि वैसे भी घर से बाहर निकलना तो हो नहीं रहा, और एब्सोल्युटली लेडीज आजकल वैसे ही बड़ी बोर हो रही होंगी क्योंकि मेकअप करने को मिल नहीं रहा। या एंड दिस इज अ टाइम जब इसेंशियल कमोडिटीज के लिए ज्यादा लोग जानना चाहेंगे, ये सब नॉन असेंशियल है, ये हो ना हो हमारी जिंदगी पे असर नहीं होगा, लेकिन अगर असेंशियल आइटम्स नहीं होगा तो हमारी जिंदगी पे असर होगा। लेकिन मुझे लगता है कि हेल्थ के प्रोडक्ट्स इसेंशियल में आने चाहिए, और ऑफ कोर्स क्योंकि आज की डेट में इम्यूनिटी को बिल्ड करना बहुत इम्पोर्टेंट है, स्ट्रांग इम्यूनिटी होना बहुत जरूरी है एब्सोल्युटली ये कोरोना जैसे वायरस को दूर भगाने के लिए। मैं तो कहता हूँ भाग कोरोना भाग। इनफैक्ट आज की डेट में हेल्थ कि जो समझ आ रही है लॉजिक, वो इससे पहले नहीं समझ आई वर्ल्ड वाइड। आप देखिए, कोरोना से काफी लोग संक्रमित हुए हैं, पर जो मोर्टालिटी रेट है वो 100% नहीं है। वो 100% इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा, कुछ लोगों का इम्यून सिस्टम वीक होगा। तो ऑफ कोर्स जब कोरोना वायरस का तो वही कॉन्फ़िगरेशन है ना, उसका आरएनए जो बोलते हैं उसका वही है, पर वो जिस होस्ट में जा रहा है उस होस्ट के इम्यून सिस्टम पे डिपेंड करता है। वो मेरे जो जहां तक मैंने स्टडी किया है कि उस होस्ट के इम्यून सिस्टम पे बहुत हद तक डिपेंड करेगा कि लोग उसको कैसे डील कर सकते हैं। किसी इंसान का इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होगा तो उसके ऊपर जो दवाइयां ले रही हैं, जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं, उसका असर अच्छे से होगा और जल्दी होगा। जिसका इम्यून सिस्टम पहले से ही वीक होगा, उस पर ऑफकोर्स असर नहीं हो पाएगा उस तरीके से। बात तो आपकी बिल्कुल ठीक है। अब मुझे एक चीज बताइए कि कोई भी इंसान जो ऑलरेडी जॉब में है या अपना कोई बिजनेस करता है या किसी प्रोफेशन से रिलेटेड है, जैसे डॉक्टर्स हैं, लॉयर्स हैं, CAs हैं, या ऐसे लोग जिनकी अपनी शॉप वगैरह है, अपना खुद का बिजनेस करते हैं, या जॉब कर रहे हैं, या कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस के ऊपर काम कर रहे हैं, उन लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करनी चाहिए? भाई पैसा तो वो वैसे भी कमा ही रहे हैं। आप मुझे एक बात बताइए, आज हम घर पे बैठे, दिस बिल्कुल वाज ठीक बात। अनफोर्सीन, है ना। किसी ने कोई कभी वाइल्ड ड्रीम्स में भी नहीं सोच सकता था कि एक ऐसा टाइम आएगा जब ये पूरी दुनिया, इरिस्पेक्टिव कौन किस टाइम जोन में है, किसी की सुबह है, किसी की रात है, सबकी जिंदगी थम जाएगी। ऐसा तो हमने कभी नहीं सोचा था, है ना। बिल्कुल ठीक ऐसा बात। होता है किसी एक फैमिली में प्रॉब्लम आई है तो उनकी जिंदगी पे असर हुआ है। ये वो दिक्कत आई है, ये वो प्रॉब्लम आई है जो एक ऐसे शहर चाइना से शुरू हुई, जो शायद आधी से ज्यादा पॉपुलेशन ने नाम भी नहीं सुना होगा, वुहान सिटी। वहां पे एक आदमी जिसका ये इनिशियली डाउट होता रहा कि उसने या तो बैट का या स्नेक का सूप पिया है, उससे एक कोरोना वायरस हुआ, और उसको फैलते फैलते आज द वर्ल्ड ओवर इज फेसिंग दिस प्रॉब्लम, है ना। तो ऐसे टाइम पर हम सब घर पे बैठे, अब हमने लॉकडाउन तो फेस कर रहे हैं, बट आइडली अगर ये लॉजिकली देखा जाए, क्या हम पूरी जिंदगी लॉकडाउन में रह सकते? नहीं रह सकते। नहीं रह सकते। क्यों नहीं रह सकते? क्योंकि हम घर से बाहर जाएंगे नहीं तो हम कमाएंगे नहीं,
कमाएंगे नहीं तो खाएंगे नहीं तो जिएंगे कैसे, है ना। बहुत लॉजिकल सिस्टम है। आज की डेट में बच्चों की एजुकेशन सेकेंडरी हो चुकी है, बच्चों का जो हम इतना सोचते थे कि हमने सेविंग्स करना है, हमने वो सब सेकेंडरी, आज की डेट में ना वो प्रैक्टिकली हो गया है कि मुझे आज का देखना है, आज मेरे घर में सपोर्ट सिस्टम है नहीं है, कल मेरे घर में सपोर्ट सिस्टम होगा नहीं होगा। अब जो एक वो था ना कि मेरे को फैसिनेशन है, मुझे फलानी जगह घूमने जाना है, मुझे इतना पैसा जोड़ना है, बाहर घूमना है, मुझे इतना पैसा जोड़ना है, मेरे को बेस्ट यूनिवर्सिटी में अपने बच्चे को पढ़ाना है, बेस्ट कॉलेज, बेस्ट स्कूल, अब वो सब सेकेंडरी हो चुका है। आइडली लाइफ अब इस लेवल पे आ गई है कि मुझे बेसिक चीजों का सर्वाइवल चाहिए, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो जब सिचुएशन उस पर आ जाती है और आपको ये पता है कि आप घर की चार दीवारी में ही सेफ हो, क्योंकि जो आंखों से दिख नहीं रहा उसने आंखें खोल दी हैं, तो जब आंखें खोल दी हैं तो इट्स बेटर कि अगर आप घर पे बैठे बैठे कुछ ऐसा कर सकते हो जिससे आप अपने आने वाली जिंदगी बेहतर कर सको, तो क्यों नहीं करो। मतलब इसके अंदर मुझे नहीं लगता कि कोई साइंस का ऐसा फॉर्मूला है जो लोगों को समझ ना आए, मेरे हिसाब से। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, और मुझे लगता है कि ये एक ऐसी स्ट्रीम है जो इंसान को फाइनेंशियल फ्रीडम देती है। और फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये होता है, जो मुझे लगता है, कि एक ऐसी इनकम हम डेवलप कर लें कुछ 3 से 5 साल काम करके, जो जिंदगी भर हमें आती रहे और हमारे बच्चों के लिए भी वो इनकम आती रहे। सो इससे कहीं ना कहीं एक फीलिंग ऑफ सिक्योरिटी आता है। जैसे आज की डेट में हम लोग बहुत ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, लेकिन फिर भी हमारी इनकम कंटिन्यूसली आ रही है और हर बार बढ़ बढ़ करके आ रही है। अब इसका बहुत छोटा सा एग्जाम्पल आप देखिए, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज हैं, वो एक एंडोर्समेंट पे कितने सारे पैसे लेते हैं। मूवीज, अब मूवीज बंद हो चुकी हैं, शूटिंग्स बंद हो चुकी हैं, लेकिन क्यों? क्योंकि अब उनका उनके एड कमर्शियल्स हैं, वो जब जब प्ले होंगे दे विल गेट सम रॉयल्टी, या उनकी कोई मूवी प्ले होगी तो डायरेक्टर्स को अर्निंग्स आएगी, प्रोड्यूसर्स को अर्निंग्स आएगी, तो उस तरीके का एक सिस्टम है। बट अगर आगे देखा जाए तो आगे का काम वो नहीं कर पा रहे हैं ना। तो लाइक वाइज एनी सच थिंग जो बैठे बैठे आपको इनकम दे कि आप अपनी जिंदगी आराम से सस्टेन कर सकते